नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का पुल कुल पुस्त पर। मैं हूँ शिवम गुप्ता और आज हम यहाँ पर सिंगरौली जिले में हैं। जी हाँ, आपको बता दूँ आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी था, जिसके लिए सिंगरौली के विधायक रामलल्लू वैश्य जी और जिला अध्यक्ष बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का पुल कुल पुस्त पर। धन्यवाद समस्त पुल कुल के परिवार को मेरी तरफ से। हम तो इनसे बातचीत करने ही आए थे और साथ ही आज पिछले दिनों से एक ऐसी ही हालात चल रहे हैं, एक ऐसा हादसा हमारे सामने आया है जिसको लेकर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि रीता शाह सिंगरौली की बेटी, जिसके साथ एक ऐसे दर्दनाक हादसा हुआ है जिसको हम कैमरे में बयां नहीं कर सकते। तो सर, जैसा कि पूरी सिंगरौली की पब्लिक उसके लिए जस्टिस की गुहार लगा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते जब से यह घटना घटी है तो मैंने माननीय एसपी साहब से, स्थानीय टीआई से, सब लोगों से लगातार बात चल रही थी और जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि रीता शाह के साथ में अन्याय करने वालों की कल जो है उसका डिटेक्ट हो चुके हैं और उन सबों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम सबों की तरफ से बोला गया है। जिला प्रशासन के ऊपर पूर्ण रूप में दबाव है। वह व्यक्ति जो कि उसकी हत्या किया था, उस व्यक्ति का वो लोग जांच में पूर्ण कर चुके हैं। आज संभावना है कि माननीय पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के द्वारा उसका खुलासा भी किया जाएगा। तो सर, परिजनों द्वारा पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा जानकारी में जरूर आया है कि परिजनों के द्वारा पुलिस के ढीले ढाले रवैये को लेकर के कुछ बातें स्थानीय वहाँ के उनके परिजनों के द्वारा कहा गया है। उसमें भी हम सबों के द्वारा जो भी अगर पुलिस ऐसी लापरवाही में लिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करवाने का हम सबों का भरसक प्रयास होगा। और सर, एक अंतिम सवाल इसी से जुड़ा है कि आप लोगों में क्या पहल की गई है, क्योंकि न्याय दिलाना जरूरी है। ये एक छोटा सा शहर है, दिल्ली जैसा शहर नहीं है, उतनी स्ट्राइक नहीं हो रही है, उतना ज्यादा लोग उसके लिए चिंतित जरूर है, पर आप लोगों की तरफ से कितनी पहल की गई कि इस सिंगरौली की बेटी को न्याय दिलाया जाए? ऐसा कोई भी घटना पे पुलिस प्रशासन को जरा मरा समय चाहिए। दो तीन दिन पहले ये घटना घटी थी और दो तीन दिन के अंदर में वो लोगों ने उस हत्या करने वाले व्यक्ति का पर्दाफाश कर चुके हैं, जो कि अभी शायद गोपनीय है और हमारे पुलिस अधीक्षक जी या वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस बात को आप सबों के बीच में बहुत जल्द प्रेस रिलीजिंग के माध्यम से प्राप्त होगा। कोई भी घटना को जब तक कि उसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। आज पूरा सिंगरौली जिला उसके साथ में न्याय के लिए लगा था। स्वयं मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते मैं भी उसमें प्रयासरत था और उस घटना का पर्दाफाश होते ही उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इसके लिए हम सब लोग मिलकर के पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाएंगे कि उसके साथ में उचित न्याय हो। ओके, तो देखना अब ये होगा कि कब तक रीता शाह को न्याय मिल पाएगा। इसी के साथ कोरोना से जुड़ी कुछ बातें हम विधायक जी से करना चाहेंगे। सर, जैसा कि देख रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ता जा रहा है, साथ ही अपने देश में 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, मतलब नियर बाय 9.83 लाख केसेस आ चुके हैं और आने वाले 2-4 दिनों में ये 10 लाख का आंकड़ा बड़े आराम से पार करने वाला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सिंगरौली जिले में भी जैसा कि कल एक मौत हो चुकी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? लोग तो आप मतलब जो प्रशासन है उस पर क्या एक्शन ले रहा है, कैसी कार्रवाई कर रहा है, उसके बारे में बताएं सर प्लीज। ऐसा है, जिला सिंगरौली में कोरोना का पहला केस ये सही है कि जयंत सेक्टर 4 निवासी कि उस वायरस के चलते रिवा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो किस बात का है कि कैसी है बीमारी है, महामारी, किसको आदमी दूर भागता है। दूसरा चीज कि हमको आपको स्वयं के सेफ्टी की आवश्यकता है, पर हम आज देखते हैं ये सिंगरौली जिला में शुरुआत हुई चितरंगी से, 14 दिन के बाद वो लोग स्वस्थ हो गए
धीरे धीरे सभी जगह आए, किंतु आज हम बाहर चले जाते हैं और चले आते हैं और कहीं न कहीं जितने भी प्रकरण आज मिले मुझे इस जिले में, वो चाहे मजदूर के रूप में बाहर से आए हों अथवा शादी विवाह में गए हों वो आए, इस तरह से प्रकरणों में वायरस के प्रकरण संक्रमित पाए गए। जिला प्रशासन निरंतर यह प्रयास में है कि सीमा में जांच हो जाए, जब आए आप कहीं बाहर से सूचना दे दें, पर लोग सूचना न दे के घर में घुस जाते हैं चुपचाप, अगल बगल वाले कभी कोई बता दिया तब जानकारी हो पाती है, तब तक पता चला कि हम 10-5 आदमी को टच कर लिए। उदाहरण के लिए लिए मोरवा थाने की, अब ये खुद के सुरक्षा वाले व्यक्ति शादी में गए, लौट के बिहार से आए और अपने काम में लग गए, उनको तो वैसे 14 दिन को क्वारंटाइन में रहना चाहिए। जी सही, कहीं अपनी लापरवाही का ये कारण है। और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी मास्क पहने, अभी अभियान चले हैं, जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना लगेगा। मान ली अब वहाँ क्या कहते हैं लोग, फोन करते हैं साहब हमको तो पैसा मांग रहे हैं ये, अरे भाई गलती तुम्हारी है तो पैसा मंगमन करेंगे, वो पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो तुमको चेतावनी दे रहे हैं एक तरह से, हेलमेट पहनो आप, सुरक्षा आपकी होगी तो नहीं पहनते, मास्क पहनो। अब ये सब चीज़ें हैं, देखिए हमको आपको इससे सुरक्षा स्वयं की करनी होगी और एक दूरी बना के, जैसे आज कोई कार्यक्रम करने के लिए आज गाइडलाइन आई ना कि कोई भी 31 जुलाई तक सांस्कृतिक आयोजन में भीड़ भाड़ न रहे, मंदिरों में परिसरों में कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि भीड़ रहे, और जिससे कि आपको जब भीड़ होती है तो वो सब भूल जाते हैं। मान लीजिए सोमवार का दिन आता है, मंदिर में जल ही चढ़ाने की बात आती है, तो एक धार्मिक होने के नाते मानव वो सब फिर कुछ नहीं, सब धक्का मुक्का करते हुए पहुँच जाते हैं। ये नहीं कहते कि 5 मिनट रुक लें हम, उसके बाद हम करें, तो कहीं ना कहीं हमको जल्दबाजी हो जाती है। ये परिस्थितियां हैं और हमको आपको इसे बचने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि सब स्वस्थ रहें, सिंगरौली वासी और सब अपने को एक दूसरे के दूरी बना के चलें, और कोशिश ये होनी चाहिए सबके लिए। और आप सबको भी मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने जो भूमिका निभा रहे हैं वो बहुत बेहतर है। और अभी आप लोग कह रहे थे रीता शाह के बारे में, मैंने जिस दिन से घटना की जानकारी हुई उस दिन से पुलिस प्रशासन पर तुरंत किया, जब उसने धारा 363 के FIR हुई, उसने भगा ले गया, उस मुलजिम की तलाश होनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया गया। और आज जब घटना की जानकारी हुई किस तरह से उसकी हत्याएं हो गई, आज वही पुलिस कल सब मुलजिम पकड़ लिए गए, आज चलान पे सो रहा है। तो चलिए इसी के साथ, जैसा कि केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है, इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या लॉकडाउन फिर से लगना चाहिए, इसमें आपका क्या मत है? देखिए अभी तत्काल तो मैं नहीं कहूँगा लॉकडाउन, क्योंकि यदि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए यदि ये सब करते हैं तो लॉकडाउन तो था ही पहले और काफ़ी राहत मिली, और जब जैसा वृद्धि और होगी तो निश्चित रूप से लॉकडाउन लगनी चाहिए। तो आप सभी को ये बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, तभी हम इस कोरोना से जीत सकते हैं। ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।